आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका एक चित्र दिया है, इसमें बताना है कि अगर ए बी और सी डी दोनों समानांतर भुजाएं हैं तो एंगल वाई माइनस एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, समानांतर भुजाएं हैं, उसको एक लाइन कट कर दिए तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करेगा, और यहाँ पे मतलब लाइन कट की, अब ये समांतर है, ये समांतर है, ठीक है, ये कंडीशन है मेरी, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे और ये वाला जो एंगल है आपका, इसको कहते हैं संगत कोण, ठीक है, और एक ये स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, ठीक है, इसको कहते हैं संपूरक कोण। मतलब यदि दो कोण का सम 180 डिग्री हो तो उन दोनों को कहेंगे कि वे दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, और पैरेलल लाइन के एक टाइप के जो एंगल दिखें, मतलब ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो एक टाइप के जो दिखें उनको कहते हैं संगत कोण। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये आपका क्या है, ये पूरा एक संपूरक कोण फॉर्म कर रहा है ना, 180 डिग्री पूरा, तो ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा आपका संपूरक फॉर्म कर रहा है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे, ये 120 में क्या ऐड करें कि 180 आ जाए, 110 में क्या ऐड करें कि 180 आ जाए, ठीक है। अब ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, मतलब इस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 70 डिग्री हो गई। ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, मतलब इस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री। किस कोण से, संगत कोण की प्रॉपर्टी से। अब क्या करना है, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स मतलब 70 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब 10 डिग्री, ये आपका एंगल हो जाएगा, मतलब y माइनस एक्स की ये वैल्यू हो जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 14/33, 21/22, 42/55 का महसा मतलब महत्तम समापवर्त मुझे फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स एक फार्मूला याद रखिएगा, अब मुझे इन सब का महसा निकालना है, मीन्स मुझे इस 14, इस 21 और इस 42 का महत्तम समापवर्त निकालना होगा, भागे इस 33 और इस 22 और इस 55 का लसा निकालना होगा। अब देखिए और अलम निकालते हैं, है ना, हम पेन का यूज़ नहीं करें, किया जाएगा हम लोग, ठीक है। 7 × 2 = 14, 7 और 2 आ रहा है, 3 × 7 = 21, है ना, 3 और 7 आ रहा है, 7 × 6 = 42, ठीक है, 7 और 6 आ रहा है। अब देखिए 7 × 2 = 14, इसमें 2 आ रहा था, है ना, 7 × 14 = 7 = 21, इसमें 3 आ रहा है। अब 7 के अलावा इन तीनों में कोई कॉमन है फैक्टर, कोई फैक्टर इन तीनों में कॉमन नहीं है, ठीक, तो इसका लसा आ जाएगा 7, इसमें 6 आ रहा था, इसमें 3, दो दोनों आ रहा था, इसमें 2 आ रहा था, इसमें 3 आ रहा था, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एस सी एफ, है ना, मस मतलब ऐसा फैक्टर जो सब में हाईएस्ट हो, मतलब 7 था सब में तो हम 7 ले लिए, ठीक है। अब लस लस में सब चीज़ होता है, ये 11 × 3 इसको लिख सकते हैं, इसको 11 × 2, इसको 11 × 5, तो यहाँ पे 11 × 3 × 2 × 5 सब आ जाएगा, इसका मसा आ जाएगा। 7 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, 30 में 11 का करेंगे 330, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 138 के संपूरक का कोटिपूरक। संपूरक क्या होता है, किसी एंगल में क्या ऐड कर दें कि दोनों का सम 180 डिग्री बन जाए, ठीक है, तो इस 138 में क्या ऐड कर दें कि ये 180 बन जाए, मतलब x की वैल्यू 180 माइनस 138 मतलब ये 42 डिग्री, ठीक। अब ये इसका संपूरक आया, पूछ क्या रहा है, 138 के संपूरक का कोटिपूरक, मतलब अब इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये 90 डिग्री बन जाए। कोटिपूरक क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता हो, तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ये हो गया 48 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गणित सार संग्रह के लेखक हैं, आपको बताना है कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन है।
तो फ्रेंड्स गरिष्ठ सार संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं महावीरा चार्य। एक ये मैथमेटिशियन थे 9वीं सदी में, 9वीं सदी में ये मैसूर राज्य के थे मैथमेटिशियन। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है गणित सार संग्रह में एलसीएम निकालने, मतलब लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालने के कई सारे फॉर्मूले दिए हैं, और भी बहुत कुछ ये दिया है इन्होंने। तो गणित सार संग्रह के लेखक आते हैं महावीराचार्य। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। 9 to the power 2x-1 इज इक्वल टू 5 to the power 5-5। ठीक है, अब इसमें बताना है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना आप बेस को इक्वल कर लिया करो। बेस को इक्वल करने से क्या फ़ायदा होगा कि हम इंडिसेज का जो रूल है ना, जो मेरे घातांक का रूल है, वो रूल अप्लाई करके हम इजी वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखते हैं, इसको मैं 3 के पावर 2 कर दूं, पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 2x-1 इज इक्वल टू 2 to the power -5। ठीक है, अब इसको मैं 3 के पावर में कर दे रहा हूँ, ये 3 के पावर 2 के पावर में 2x-1 इज इक्वल टू 2 के पावर 5 की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 -5 5। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा, ये इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 3 के घाते 4x-2 इज इक्वल टू, इसको आप सबट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 27। और इसी 27 को मैं लिख दे रहा हूँ, 3 3 के 9 3 27, 3 के पावर 3, मतलब ये आ गया आपका 3 के पावर 4x-2 इज इक्वल टू 3 के पावर 3। इसके बाद मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अब दोनों साइड कंपेयर करिए, देखिए बेस सेम है, आधार सेम है, तो घात भी सेम होगा। ठीक है, मतलब ये 4x-2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, तो इस 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3+2 हो जाएगी, इस 4x की वैल्यू 5 हो जाएगी, x की वैल्यू 5/4, ये आपका आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 को बताने से पहले मैं आपसे ये कह दूं कि फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको इस सुपर 10 सीरीज का फ़ायदा समझ में आएगा। अदरवाइज आप एक दो क्वेश्चन देख के, 3 क्वेश्चन देख के स्किप कर दोगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सुपर 10 सीरीज में मैंने अब तक के पूरे सी टेट, यूपी टेट, अदर टेट के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं सबको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो बारी बारी से मैं सब सॉल्व करवाऊंगा, तो अनसॉल्व तैयार रहेगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा है ना एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होंगे। मतलब क्या हो रहा है, मतलब 3 के मल्टीपल टाइप के नंबर मिल रहे हैं ना, एपी मतलब 3 की। मान लीजिए पहली संख्या एक्स है, दूसरी x+3, तीसरी x+6। अब क्या कह रहा है कि इन तीनों का योग क्या है, 99 है, मतलब x+x+3+x+6 सबका सम क्या हो गया, 99। 1 2 3 3x+9 इसकी वैल्यू क्या हो गई, 99। ठीक, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, मतलब 3x की वैल्यू क्या हो गई, 99-9, मतलब 3x की वैल्यू 90 हो गई, x की वैल्यू 30 हो गई। इस 3 को इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, मतलब हमारी वो संख्याएं कौन सी हैं, संख्याएं हैं 30, 33 और 36। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि 547.527, मतलब 547 या 547.527 अपॉन में 0.0082, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स दिया है हमें, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आ रही है ना, देखिए नंबर सेम है, पॉइंट लगा था, पॉइंट नहीं लगाया, तो ठीक है इसमें से पॉइंट ही तो रिमूव करना है, कर दिया जाए। ठीक, 547.527, यहाँ पॉइंट लगा था, पॉइंट लगा दिए, 0.0082 ये एक्स की वैल्यू है। यहाँ पे 82 है ना, इसको करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा क्या, होगा ये
कि ये पॉइंट हट जाएगा, एक दो तीन चार, एक के आगे 10 4 0 लगा के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या आएगा, ये आएगा। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ का 1 0 तो मुझे चाहिए नहीं क्वेश्चन में, ये 1 0 यहाँ नीचे भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 5 4 7 5 2 7 भागे 82 इज इक्वल टू, ये 82 है, एक्स अपॉन 10, ये आपका आंसर हो गया, मतलब इसकी जो वैल्यू हो गई वो एक्स अपॉन 10 आ गई, ये आपका आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका यूपी टेट 2015 का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के कोणों में 2 सही 3 सही 4 का अनुपात है, ठीक है, तो त्रिभुज के कोण होंगे, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 सही 3 सही 4 का अनुपात है, तो उसके एंगल क्या होंगे, अनुपात का मतलब सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो ये 2x 3x 4x होगा, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो 2x + 3x + 4x हो कितना जाएगा, 180 डिग्री, 4 3 7 2 9 9x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, x इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक। मतलब जो मेरा एक एंगल है वो 2 × 20 40 डिग्री है, ये वाला कितना है 3 × 20 60 डिग्री, और ये वाला कितना है 4 × 20 80 डिग्री, मतलब तीन एंगल मेरे क्या होंगे, 40 60 80। देखिए दो संख्याओं का म स 13 तथा ल स 1989 है, तो उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या होगी, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, छोटा सा है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, म स कितना गया दिया गया है, 13 1989, दूसरी संख्या पहली संख्या है 117, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 9 117 से डिवाइड कर दें भाई, एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी थी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों मल्टीप्लाई करके 117 से डिवाइड कर दें, तो 117 से इसको जब आप काटोगे तो 17 बार में जाएगा, ठीक, फिर 13 × 17 ये एक्स की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करने पे 221 आ जाएगा, दूसरी संख्या 221 है। तो आइए देखते हैं अपना सुपर 10 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है कोण होगा, ठीक। संपूरक हम जानते हैं कि किसी भी दो एंगल को ऐड करें 180 डिग्री आए तो संपूरक होगा, ठीक। कोटि पूरक किसी भी दो एंगल को ऐड करें 90 डिग्री आ जाए तो वो कोटि पूरक होगा। तो मान लेते हैं कि जो एंगल है वो एक्स है, तो एक कोण का संपूरक ये हो गया और उसी कोण का कोटि पूरक ये हो गया, ठीक है। तो अब कह क्या रहा है कि एक कोण का संपूरक उसके कोटि पूरक का 3 गुना है, मतलब ये इसका 3 टाइम्स है पहले से ही, तो इक्वल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक। इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सो सिंपल, 180 माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 3 27, 270 माइनस 3x, ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये माइनस एक्स और प्लस 3x इज इक्वल टू 270 माइनस 180 होगा, 9 18 27, यहाँ 9 आएगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 45, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।